और झारखंड के धनबाद से खबर है, जहां पर जमीन धंसने की घटना हुई है। दो लोग मिट्टी के नीचे दब गए हैं। यह हादसा झरिया इलाके में हुआ। कोयले की खदानें यहां पर हैं। जमीन धंसी, जिसके बाद अंदर से गैस और आग निकल रही थी। दोनों के बचने की संभावना हालांकि कम ही है। घटना के घंटे भर बीत जाने के बाद प्रशासन नहीं पहुंचा। जब BCCL की टीम वहां पर पहुंची तो गुस्साए लोगों ने वहां से भगा दिया। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी नितेश दे रहे हैं। नितेश, अभी के क्या हालात हैं वहां पर? अभी भी क्या विरोध कर रहे हैं लोग? कोई टीम पहुंची है वहां? देखिए पूर्णिमा, आपको बता दें कि तकरीबन ये हादसा सुबह 7 बजे हुआ, जब दोनों पिता पुत्र अपने दुकान के पास खड़े थे, तभी तेज आवाज के साथ जो है जमीन दोज हो गई और दोनों उसमें समा गए। घटना के 4 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम अब तक शुरू नहीं पाई है। हालांकि जो रेस्क्यू टीम यहां पर BCCL की पहुंची थी, वो लगातार ये प्रयास कर रही थी कि इस गोफ के अंदर जाया जाए, लेकिन चूंकि ये जहरीला गैस निकल रहा है गोफ से, तो उसमें जो रेस्क्यू टीम है वो नहीं जा पा रही है। हालांकि इसके समानांतर एक गोफ खोदा जा रहा है मशीनों के द्वारा, ताकि उसको किसी तरह से रेस्क्यू किया जाए। लेकिन स्थानीय लोग जो है उसमें काफी नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो झरिया का ये अग्नि प्रभावित इलाका है, लगातार ऐसी हादसाएं यहाँ पर होती है, बावजूद उसके प्रबंधन कोई सीख नहीं लेता। और आज भी जब घटना घटी तो तकरीबन 1 घंटे के बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंची है और लगभग 4 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू का कोई काम शुरू नहीं हो पाता है। जी पूर्णिमा, यानी कि ये साफ है ना कि बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं है, क्योंकि ऐसे हादसे लगातार यहाँ होते रहते हैं, क्योंकि खदाने हैं और काम चलता रहता है, मजदूर भी रहते हैं। अभी भी काफी कम अधिकारी यहाँ दिख रहे हैं जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा पूर्णिमा, क्योंकि ये झरिया का पूरा अग्नि प्रभावित इलाका था और आए दिन ऐसी घटनाएं घटती है, लेकिन वो में किसी तरह से दो जिंदगी समा गई है और उसके जान पर आफत बनी है, लेकिन बावजूद उसके BCCL का कोई वरीय पदाधिकारी यहां पर नहीं पहुंचा है। हालांकि रेस्क्यू की एक टीम पहुंची है जिसमें GM रेस्क्यू भी मौजूद है, लेकिन एक अहम सवाल पूर्णिमा यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि जब BCCL इतना बड़ा इलाका है और इतने सारे सुविधाएं उसके बावजूद है, लेकिन जो रेस्क्यू का वर्क होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है धरातल पर, और जो काम चल रही है वो सिर्फ खानापूर्ति ही चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो दो लोग जो धंसे हैं, हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि उनके बचने की संभावना कम ही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी